हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जो पिछला लेक्चर आपका समाप्त हुआ था, आपका जो पिछले लेक्चर में था वो 12 वाले चैप्टर 12 नंबर जो था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ रहे थे वो सारे चैप्टर के सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके थे। अब जो हमें स्टार्ट करना है वो नए चैप्टर को शुरू करना है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, क्या होंगे भाई, एल्किन समूह के साथ या एरोमेटिक के साथ, ठीक है। जितने भी एल्किन समूह या फिर एरोमेटिक या जो जितने भी कार्बनिक यौगिक हो जाए वो उनमें क्या करना है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक लाना है। नाइट्रोजन युक्त का मतलब क्या, उसके अंदर हो सकता है नाइट्रो ग्रुप हो सकता है नाइट्राइटो ग्रुप हो, ठीक है, या फिर साइनाइड ग्रुप हो या आइसोसाइनाइड ग्रुप हो, ठीक है, एमीन हो या डाई एजोनियम हो, ये सारे ग्रुप जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। बात समझ में आई? तो हो सकता है इनके होने की वजह से ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो बात करेंगे, आज पहला लेक्चर है तो बात बेसिक से करेंगे। यहाँ पर देखो, सबको अलग अलग करके पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, सबको अलग अलग पढ़ना है। जैसे एमीन का अलग पढ़ना है, आपका साइनाइड अलग पढ़ना है, आइसोसाइनाइड अलग पढ़ना है, नाइट्रो अलग पढ़ना है, नाइट्राइटो अलग पढ़ना है, ठीक है। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इनके रिएक्शंस पूछे जाते हैं। जब क्या पूछते हैं, क्या होता है जब, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, क्या होता है जब इनकी रिएक्शंस दे देंगे, ठीक है। इनके इनके में ज़्यादा लिखना है नहीं, मेन है इनका रिएक्शंस, क्या है, मेन है इनका रिएक्शंस है। तो ये बात को ध्यान रखना कि इनके में रिएक्शंस जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, बेहतर होगा आपके लिए। तो भाई शुरू करते हैं इसमें कि पहले तो समझ लेते हैं भाई कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते क्या है। तो लिख लेना परिचय में, लिख लेना चैप्टर के थोड़े से परिचय में, लिख लेना परिचय। क्या लिखोगे भाई, लिखोगे वे कार्बनिक होगी, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन वे कार्बनिक यौगिक जिनमें लिख सकते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन परमाणु भी उपस्थित हो, क्या हो, नाइट्रोजन परमाणु भी उपस्थित हो, नाइट्रोजन परमाणु भी क्या हो भाई, उपस्थित हो। बात समझ में आई, उपस्थित हो, ठीक है, बात समझ में, क्या कहलाते हैं भाई, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बात समझ में, क्या कहलाते हैं भाई, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं तथा इनमें नाइट्रोजन के साथ क्या हो सकता है भाई, ऑक्सीजन परमाणु भी हो सकता है, बात समझ में आ रही ना। तो इसमें क्या होता है भाई, आपका नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपके नाइट्रोजन के साथ साथ क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन अकेले होगा तो वह ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें नाइट्रोजन युक्त की बात करना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन तो होना चाहिए, उसके साथ ऑक्सीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, मे बी यार मे बी नॉट हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये चीजें हो सकते हैं भाई इनके अंदर, जैसे कौन कौन से पढ़ने भाई, जैसे कौन कौन से समूह हो सकते हैं, तो लिखेंगे इनमें, अतः इनमें निम्न प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं, उपस्थित
होते हैं। ठीक है, बात समझ में क्या होते हैं भाई, निम्न प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला देखना, पहला हमें देखना है भाई नाइट्रो, क्या होता है नाइट्रो समूह, क्या होता है भाई NO2, जब ये नाइट्रोजन से कोई चीज कार्बन क्या करे, नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो उसे नाइट्रो कहते हैं, बात समझ में भाई। दूसरा देखना भाई, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं नाइट्राइटो, क्या कहते हैं नाइट्राइटो, ट्राइटो, इसका मतलब जो ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, कार्बन जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, बात समझ में आई, फार्मूला यही है NO2 ही है, बस यहाँ पे जुड़ाव अलग हो जाता है, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था किसमें भाई, उपसहसंयोजी यौगिक में आपने ये चीज पढ़ी थी, लिगेंड का नाम लिखते वक्त आपने बताया था जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा लोन पेयर तो क्या कहते थे, नाइट्रो समूह कहते थे, जब ऑक्सीजन डोनेट करता था उसे नाइट्राइटो कहते थे, उभय दंतुक लिगेंड के बारे में, एम्बिडेंटेड जो लिगेंड होते थे, उभय दंतुक लिगेंड, उनके बारे में बात करता था कि ऐसा लिगेंड होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी होते हैं, यदि ये कार्बन से क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन यानी N जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे नाइट्रो, यदि नाइट्रोजन से वही सेम फॉर्मूला वाला ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे नाइट्राइटो, ठीक है, बात समझ भाई। तीसरे की बात करें तो तीसरा भाई साइनाइड, तीसरा समूह कौन सा है, साइनाइड, तो इनके सब के बारे में पढ़ना है, अलग अलग इनके बारे में भी पढ़ना है, इनके भी बारे में पढ़ना है, जो आगे आएंगे इनके बारे में भी, तो लिखेंगे साइनाइड, 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 साइनाइड क्या होता है भाई, CN, जब ये कार्बन, ये CN वाला C जो कार्बन है ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो बोलेंगे साइनाइड, क्या बोलेंगे साइनाइड बोलेंगे, उसी तरीके से इसी के अंदर ये भी उभयदंतुक होता है, इसका मतलब इसका नाइट्रोजन भी किसी से जाके जुड़ सकता है, जुड़ सकता है ना, उभयदंतुक होता है तो इसका मतलब इसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे आइसोसाइनाइड, क्या होगा फॉर्मूला भाई, कार्बन से कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा, इस बार कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा, बात समझ भाई, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, समझ गए बात को, चलो भाई बात करते हैं आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं, पांचवा जो है आपका कौन सा भाई, पांचवा नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, एमीन हो गया, क्या होगा भाई, एमीन, एमीन का मतलब क्या, NH2 ग्रुप, क्या हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, ठीक है, अब इस एमीन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उसी बात अलग कर लेंगे, इन्हीं में सब आ जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली हमें पढ़ना है एमीन के बारे में, ठीक है, बात समझ भाई। फिर इसके बाद सिक्स नंबर है डाइजोनियम, डाइजोनियम आयन या डाइजोनियम, डाइजोनियम क्या होता है भाई, जब N2 क्या जुड़ा हो, किसी से जुड़ा हो जाके, ठीक है, N2 किसी से जाके जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं क्या, N2 के रूप में जुड़ा हो तो डाइजोनियम, डाइजोनियम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे या फिर जो भी बोलना है योगी बोलेंगे, ठीक है, तो इनके बारे में यानी कि इन छह के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है भाई, इसको बनाते कैसे, क्या है इसके बारे में, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये छहों के बारे में, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, तो इन छहों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो शुरू करेंगे भाई पहले नाइट्रो समूह से, किससे शुरू करेंगे, नाइट्रो समूह से शुरू करेंगे कि ये क्या चीज़ है, फिर उसके बाद नाइट्राइटो, फिर उसके बाद साइनाइड, फिर उसके बाद आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद एमीन, ये सारी चीज़ें हम बार बार रिपीट करते रहेंगे क्रम से, ठीक है, बात समझ भाई, तो शुरू करते हैं भाई नाइट्रो समूह को, क्या करते हैं नाइट्रो समूह को, फटाक से लिख लो पहले इसको, पहले इसको लिख लो, फिर हम बात करेंगे नाइट्रो समूह के बारे में कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे उसके बारे में, ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई, पहले इसको लिख लो, लिखो फटाक से, हो गया भाई, चलो रब करते हैं इसको, फिर बात करते हैं आगे, आगे की बात करते हैं नाइट्रो समूह की, ठीक है,
चलो तो बात करते भाई नाइट्रो समूह की कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, ये क्या होता है, इनको बनाने की विधि, तो सारी चीज़ें हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, बात समझ भाई। तो बात करते हैं पहला नाइट्रो यौगिक, क्या लिखेंगे, नाइट्रो यौगिक, यानी कि आपको पढ़ना है नाइट्रो समूह के यौगिकों के बारे में, क्या पढ़ना है, नाइट्रो समूह के यौगिकों के बारे में, कौन कौन से होते हैं, बात समझ में, बेसिकली कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ी सी इनके बारे में लिख लेते हैं भाई, क्या होता है नाइट्रो समूह, क्या होता है नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह यदि ओपन करके लिखा जाए तो ये ऐसे होता है, ऑक्सीजन होता है, और ये क्या होता है इधर, इस प्रकार से होता है कि नहीं, ये उपसहसंयोजी यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ठीक है, द्वारा नाइट्रो समूह द्वारा एलिफैटिक या एरोमैटिक यौगिकों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन से बनता है, क्या होता है भाई, के विस्थापन से बनता है, बात समझ में, क्या होता है भाई, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन से बनता है ये, ठीक है, बात समझ में, किसके एलिफैटिक ले लो या फिर एरोमेटिक ले लो, लिखोगे इसमें यानी कि नाइट्रो समूह में क्या होता है भाई, नाइट्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, क्या होता है भाई, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बात समझ भाई, क्या होता है भाई, कार्बन परमाणु से कौन जुड़ा होता है, इसमें कौन जुड़ा होता है, नाइट्रोजन जुड़ा होता है, बात समझ भाई, जैसे इसे क्या बोलेंगे, RNO2, क्या बोलेंगे इसे, RNO2 को बोलेंगे एल्कील, नाइट्रो एल्कील, क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्कील, ठीक है, बात समझ में, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्कील, ठीक है, बात समझ भाई, जैसे कि मैं आगे बात करूं तो एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिक को क्या पढ़ते हैं भाई, एरोमेटिक को पढ़ते हैं एरीन, क्या पढ़ते हैं, एरीन पढ़ते हैं, AR से दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि या फिर लिख लेते हैं ARNO2 तो क्या बोलेंगे, एरीन या फिर नाइट्रो एरीन, क्या बोलेंगे, नाइट्रो एरीन, ठीक है, बात समझ में, नाइट्रो एरीन, जैसे मैं इनके एग्जांपल बोलूं, जैसे CH3CH2NO2 तो क्या नाम हो जाएगा भाई, नाम क्या हो जाएगा इसका, दो कार्बन से पहले नाइट्रो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथिल हो जाएगा, क्या होगा, एथिल, नाइट्रो एथिल, एथिल समूह, दो कार्बन एथिल समूह हो जाएगा, बात समझ में, जैसे मैं बोलूं CH3CH2CH2NO2 क्या बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे 1 2 3 4 कार्बन, ये पूर्व लग्न रहा पहले आ जाएगा तो क्या होगा, इसका नाम एक और लिख सकते हो, नाइट्रो एथेन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, IPC नाम लिखोगे, ये तो सामान्य नाम होगा, कॉमन नेम, ठीक है, यदि IPC नाम लिखा जाए, IUPAC लिखा जाए तो नाइट्रो
नाइट्रो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रो एथेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्या करना, नाइट्रो के साथ जितना नाइट्रो या पूर्व लग्न है, नाइट्रो क्या पूर्व लग्न है, इसको पहले लिख देंगे और बकिया को एल्केन का नाम देंगे। सामान्य नाम लिखना हो तो नाइट्रो एल्किल हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। कहाँ आईपीसी लिखना तो नाइट्रो एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? एक दो तीन चार, चार कार्बन का नाम नाइट्रो बेंजील, सॉरी ब्यूटिल, ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटिल। यदि आईपीसी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? नाइट्रो, नाइट्रो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? नाइट्रो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ भाई? ये अलग है, ये अलग। ठीक है, अब दूसरे की तरफ बात करें हेलोएरिन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, जरा बताना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा NO2। क्या नाम हो जाएगा भाई? नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि पूरा पूरा बेंजीन है तो बोलेंगे नाइट्रो, नाइट्रो बेंजीन। बात समझ भाई? इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? CH3NO2। क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा, यदि इसको भूल जाया जाए तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है भाई? अपना है टालविन। क्या है? टालविन। अभी कार्बोक्सिल में पीछे पड़े हो, टालविन है, कार्बोक्सिलिक को बनाने की विधियों में अपने पढ़ा था, टालविन है। टालविन को हटाएंगे ये, तो ये हाइड्रोजन को हटा क्या NO2 आया, नाइट्रो लगा देंगे, तो क्या लगा देंगे, इसीलिए नाइट्रो टालविन। तो कौन से पोजीशन पर लगाया है, कौन से पोजीशन पर भाई? ये भी लग सकता था, ये भी लग सकता था, कहीं भी लग सकता है, लेकिन कौन से पोजीशन पर लगाया? मेटा। तो लिखेंगे मेटा, मेटा नाइट्रो, नाइट्रो टालविन। ठीक है, बात समझो क्या नाम हो जाएगा? मेटा नाइट्रो टालविन हो जाएगा। इस तरीके से इन बेंजीन का रिंग या फिर ये सभी सभी एरोमेटिक वाले हो गए, ये सभी सभी क्या हो गए? एलिफैटिक वाले हो गए। बात समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो ये एरोमेटिक के कंपाउंड हो गए, ये क्या हो गए? एलिफैटिक के हो गए, सॉरी एलिफैटिक के, ये एरोमेटिक हो गए। बात समझ में आई? तो इस तरीके से नाइट्रो यौगिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? इस तरीके से नाइट्रो के यौगिक होते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है नाइट्रो बेंजीन के बारे में, इनके बारे में पढ़ना है, नाइट्रो बेंजीन के बारे में, इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कैसे बनाया जा सकता है या फिर उसका रिएक्शंस क्या होगा, बनाने की विधियां क्या होगी या फिर उनके खुद के रिएक्शंस क्या होंगे, उन्हीं के बारे में हमें देखना है। तो फटाक से इसको राइट डाउन करो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोन नाइट्रो बेंजीन के बारे में। किसके बारे में भाई? नाइट्रो बेंजीन के बारे में। समझ गए भाई? तो आगे बात करते हैं, वार कर सकते हैं ना? चलिए तो फटाक से लिखिए, इसको लिखिए फटाक से। हो गया, चलो रफ करते हैं इसको। रब करते भाई इसको। चलिए भाई, तो लिखते हैं नाइट्रो बेंजीन के निर्माण। क्या करेंगे भाई? नाइट्रो बेंजीन के निर्माण, या नाइट्रो बेंजीन डाल दो हेडिंग, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, नाइट्रो बेंजीन है, पहला लिख लेना निर्माण, निर्माण की विधि या विधियां।
ठीक है, निर्माण की विधियां देखनी है। तो पहले क्या करा दे, पहले ही काम क्या करा दे भाई, नाइट्रेशन करा दे, इसका नाइट्रीकरण करा दे। क्या कराए, नाइट्रीकरण करा दे, काम बन जाएगा अपना। क्या होगा भाई, नाइट्रीकरण कराने का मतलब जानते हो नाइट्रोजन का NO2 का जोड़ना, और नाइट्रीकरण में जानते हो सल्फ्यूसान सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंस में लेके करते हैं ना, बात समझ में आई ना। सल्फोनेशन कराते तो सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल दे देते थे, गर्म कर देते तो काम कर जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या करना, नाइट्रीकरण। तो मैंने नाइट्रीकरण के लिए पहले ही बताया था, क्या करोगे, नाइट्रीकरण जब भी कराओगे HNO3 तो दोगे, लेकिन उसके साथ साथ आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी लगाओगे, बात समझ में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी लगाओगे। तो पहला लिख लेना नाइट्रीकरण, लिख लेना बेंजीन का नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण, ठीक है। क्या करना भाई, तो लिखेंगे, थोड़े से लिख ही लेते भाई इसके बारे में, थोड़े से इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेंजीन को नाइट्रिक अम्ल HNO3 को नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या करता भाई, क्या होता है, गर्म करने पर क्या बन जाएगा भाई, आपका बनेगा नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है, नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, बात समझ में। देखना कैसे होगा, ये रहा अपना बेंजीन, ये क्या रहा, अपना बेंजीन रहा, ठीक है। अब क्या कराओगे, HNO3 दोगे, क्या दोगे, HNO3 दोगे, क्या बनेगा, H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि सांद्र, कौन सा भाई, सांद्र, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आपने कराया, क्या करेगा, इसका OH समूह, देखो ये HNO3 का मतलब क्या होता है, N नाइट्रोजन, इधर OH, इधर ये, ठीक है, HNO3 ये वाला समूह क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन आएगा, इसका यहीं से हाइड्रोजन जुड़ा है ना भाई, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इस हाइड्रोजन को लेगा, और हाइड्रोजन को लेके क्या करेगा, पूरा का पूरा H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इसकी एक वैलेंसी खाली, इसका ये वाला पोजीशन खाली, खाली है कि नहीं, ये वाला पोजीशन खाली, तो क्या होगा, तो जुड़ जाएगा NO2, ठीक है, क्या जुड़ जाएगा भाई, NO2 प्लस में क्या निकल जाएगा, जल को बाहर कर देगा। अरे करेगा कि नहीं, ये है यार, इसके साथ क्या करेगा, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था समझने के लिए, देखो ये ऐसे है अपना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, OH ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, उपसर्जक यौगिक, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, निकल गए, ये दोनों आपस में निकल गए, ये वाली संयुक्ता इसके वाली संयुक्ता के साथ जुड़ जाएगी, जुड़ेगी कि नहीं, ये वाली संयुक्ता के साथ क्या करेगी, जुड़ जाएगी, जुड़ेगी, तो इसका मतलब क्या बनाएगा, ना समझ में आए तो कहीं कोने में इस चीज को लिख लेना, ठीक है, N ऑक्सीजन O, यही तो मैंने कहा था, यही समूह क्या है, नाइट्रो समूह है, यही तो समूह नाइट्रो समूह है, मैंने पीछे इसी चीज को तो लिखवाया था कि नहीं, यानी कि ये नाइट्रोजन नाइट्रो समूह हो गया, NO2 जुड़ गया, इसे बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलेंगे, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो पहली बनाने की विधि यही होगी, क्या होगी, पहली विधि यही होगी, ठीक है। अब दूसरी विधि के ऊपर चलते हैं भाई, तो क्या करना है, बेंजीन के ऊपर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नाइट्रो,
यानी नाइट्रो एसीटेट एसीटेट लगाएंगे, क्या कराएंगे, नाइट्रो एसीटेट के साथ गर्म करेंगे तो भी उसका क्या करेगा, वो निर्माण कर लेगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण करके बाहर हो जाएगा और नाइट्रो समूह उसके ऊपर जोड़ देगा। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा लिखना, इसको रफ करते भाई, हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, फटाक से लिखो फिर इनको रफ किया जाए। हो गया भाई, चलो लिखते हैं। चलिए देखिए दूसरी विधि, देखिए दूसरी विधि क्या करना भाई, बेंजीन की अभिक्रिया लिखना, बेंजीन की अभिक्रिया, अभिक्रिया किससे कराने भाई, नाइट्रो नाइट्रो एसीटेट एसीटेट के साथ कराने पर क्या होगा भाई, नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है, नाइट्रो बेंजीन बेंजीन का निर्माण होता है। बात समझ में आई, क्या होता है, नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है देख लेना, जरा जरा देखना क्या करना भाई, ये रहा अपना बेंजीन, ठीक है, बात समझ में, ये रहा अपना बेंजीन, इसको क्या कराना भाई, CH3COONO2 नाइट्रो एसीटेट हो गया, क्या हुआ, नाइट्रो एसीटेट हुआ, ये NO2 इसके हाइड्रोजन साथ रिप्लेस हो जाएगा, क्या हुआ, रिप्लेस होगा मतलब कि क्या हुआ, अदला बदली हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा और NO2 आएगा और हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा तो एसिटिक अम्ल बना लेगा, क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल बना लेगा, ठीक है, गर्म कर देते हैं, क्या बन जाएगा भाई, नाइट्रो बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रो बेंजीन बनेगा, NO2 प्लस में क्या बना लेगा, CH3COO, नाइट्रोजन हटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ठीक है, और ये क्या होगा भाई, अपना नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, बात समझ में, क्या हुआ, नाइट्रो बेंजीन बन गया और वो एसिटिक अम्ल बन गया। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इनका निर्माण कर सकते हैं, किस तरीके से भाई, इनकी तरीके से निर्माण करा किया जा सकता है, समझ गए बात को, समझ गए हो आप, ठीक है, तो ये बातें तो हो जाती है नाइट्रो बेंजीन के बारे में, दो विधियाँ हो गई भाई, तीसरी विधि भी देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पर भी HNO2 की अभिक्रिया करानी, किससे, नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करानी है, किससे भाई, C6H5N2Cl के साथ, ठीक है, बात समझ भाई, ठीक है, डाइजोनियम आयन है, ये क्या है, डाइजोनियम आयन है, इनकी अभिक्रिया करानी है, किससे, नाइट्रस ऑक्साइड की के साथ करानी, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ करानी है, तो वहाँ से ये निर्माण करेंगे, ठीक है, बात समझ भाई, तो उसको रब कर देते हैं, तीसरी विधि देखते हैं, अब हिंदी तो लिखने आ गया ना सबको, हिंदी लिखने आ गया ना, देखो तीसरा, मैं सीधे इसका रिएक्शन दिखा रहा हूं, देखो क्या है, अपने पास क्या है, C6H5N2Cl2, मैंने कहा तो ये क्या है, डाइजोनियम आयन, तो यानी बेंजो डाइजोनियम आयन है, तो इसका क्या कराएंगे भाई, इसका कराएंगे किससे कराएंगे, नाइट्रस अम्ल से, नाइट्रस अम्ल क्या है, HNO2,
यही तो नाइट्रस है, नाइट्रिक और नाइट्रस, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, CU2O, क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, बात समझ में, इनकी उपस्थिति में कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे भाई, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, यानी C6H5NO2 बनेगा, बात समझ में आई, और क्या बन जाएगा भाई, अपना HCl बनेगा, प्लस में HCl और प्लस में N2 गैस बाहर हो जाएगी, ये बनके तैयार हो जाएगा, क्या होगा भाई, ये बनके अपना तैयार हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रो बेंजीन, ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हुआ नाइट्रोजन गैस हो गया, बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, इनका निर्माण करेंगे, इसका नाइट्रो बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं, तीन तीन विधियां हैं इसके लिए, ठीक है, बात समझ में, तीन तीन विधियां हैं कि नाइट्रो बेंजीन का किस तरीके से हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में, तो अब आगे जो हमें देखना है भाई, अब इनके थोड़े से रासायनिक गुण देख लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन जो है वो किन किन सी चीज़ों से अभिक्रिया करके खुद अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, खुद अभिक्रिया, ये तो बनाने की विधि आती है, अब इनके रासायनिक गुण देखने की किस तरीके से ये रासायनिक में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, बात समझ में आ रही है ना, किस तरीके से ये अभिक्रिया करते हैं उन्हीं के बारे में थोड़े से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, रब कर ले पहले, चलिए तो उसको रब करते हैं, फिर बात करते हैं भाई इनके रासायनिक गुण की, बात करते हैं किसकी, रासायनिक गुण की बात करते हैं, क्योंकि इनमें से देखो कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा इनके रिएक्शंस, क्या पूछे जाएंगे, हो सकता है इनको बनाने की विधि पूछ ले, नाम से पूछ ले, ठीक है, या फिर हो सकता है इसके अंदर क्या पूछ ले आपसे, आपसे इसके रासायनिक गुण पूछ ले कि इससे इससे क्या बन सकता है, ठीक है, इसमें इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या होता है जब जब वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, बात समझ में, रासायनिक गुण देखना है तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहला देखते हैं इनका अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं, अम्ली माध्यम में अपचयन, अम्ली माध्यम में अपचयन, में अपचयन क्या कराना भाई, अपचयन कराना है, किसमें, अम्ली माध्यम में, बात समझ में आ रही है, अम्ली माध्यम में अपचयन कराओगे तो क्या बनेगा भाई, सीधी सी बात है, क्या बनाओगे, देखो ये रहा अपना बेंजीन, तो लिखेंगे भाई, लिख सकते हैं तो क्या बनेगा भाई, लिख सकते हो इसको, मैं अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर देखो रिएक्शन देख लो सीधे, ये रहा अपना नाइट्रो बेंजीन NO2, इसका कराना क्या, अपचयन कराना, क्या कराना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन किसमें, अम्ली माध्यम में, किसमें, अम्ली माध्यम, ठीक है, मैं क्या कराना भाई, अपचयन, अपचयन, अपचयन कराओगे क्या करना, यहां से नाइट्रोजन से क्या करना भाई, इसको हटाना, ऑक्सीजन हटाना, हाइड्रोजन जोड़ना, हाइड्रोजन जोड़ दो भाई, ले आके हाइड्रोजन जोड़ दो, आप क्या करो, हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या होगा भाई, NH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है, बात समझ में आई, तो इस तरीके से क्या होगा भाई, नाइट्रो बेंजीन का, सॉरी ना क्या कह सकते हैं इसको, एमिनो बेंजीन का अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एमीन बेंजीन का निर्माण होगा, क्या होगा, एमीन हो गया और ये बेंजीन होगा, तो क्या नाम लिखेंगे भाई, एमीन बेंजीन का निर्माण होता है, एमीन बेंजीन, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, अरे सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, क्या करना है, ये हाइड्रोजन, ये क्या करना है, नाइट ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या बनेगा इसके साथ, एमीन को निर्माण करेगा, NH2 क्या होता है, एमीन ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप निर्माण हुआ तो एमीन बेंजीन हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, सीधी सीधी बात है, बात बिल्कुल खत्म है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से इनकी रिएक्शन करा सकते, एक तो पहले ये रिएक्शन हो गई, दूसरी क्या करा सकते हैं इसका, सल्फोनेशन, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर देंगे इसे, क्या कर देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गरम कर दे, गरम कर देंगे फटाक से, मेटा पोजीशन में ये क्या कर देगा, सल्फोनेशन ग्रुप जोड़ देगा, क्या करेगा, सल्फोनेशन ग्रुप जोड़ देगा, ठीक है, बात समझ में आई, कौन से ग्रुप पे भाई, सल्फोनेशन ग्रुप पे जोड़ देगा इसको, ठीक है, मेटा पोजीशन पे हो गया, दूसरा विधि लिखना,
नाम से भी पूछता है, ध्यान रखना इसको, तो मैं नाम के साथ भी दिखाऊंगा इसको। तो दूसरी दूसरा लिखना, दूसरा जो है लिखेंगे क्या, सल्फोनेशन, नाइट्रोबेंजीन का सल्फोनेशन। नाइट्रोबेंजीन तो पढ़ रहे हैं तो सल्फोनेशन सीधे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है नाइट्रोबेंजीन का सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे सल्फोनीकरण, ठीक है। इंग्लिश में सल्फोनेशन कहते हैं, बात समझ में आ रही है। तो सल्फोनेशन कराना तो क्या कराएंगे, इसमें सल्फोनीकरण कराना है तो क्या कराएंगे, ये रहा अपना नाइट्रोबेंजीन, क्या रहा, नाइट्रोबेंजीन रहा NO2, ठीक है। इसका क्या कराना है भाई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या करना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देनी है। अब इसको क्या करोगे, जैसे ही इसको अभिक्रिया कराओगे क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे जोड़ देना, क्या करना भाई, मेटा पोजीशन पे जोड़ देना है किसको, सल्फोनिक ग्रुप को। सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है भाई, HNO3 होता है, OH इसका निकाल दोगे, OH निकाल दोगे तो बचेगा क्या, क्या बचेगा भाई, HSO3 बचेगा, ठीक है। बात समझ में, वही निकालना है, वही करना है भाई। जैसे वहां पर क्या होता है, HNO3 था, वहां पे OH निकाल दिया था मैंने, HNO3 था, यहां से मैंने OH निकाल दिया था, एक OH माइनस निकाल दिया था मैंने, तो क्या बचा था, बचा था आपका NO2 बचा था, जिसे नाइट्रो कहते हैं। इसी तरीके से H2SO4 है, इससे भी OH माइनस निकाल दो तो क्या करेगा भाई, ये बचेगा HSO3, इसे बोलते हैं सल्फोनेशन ग्रुप, क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो मेटा पोजीशन ले आके जोड़ देना, मेटा पोजीशन कौन सा भाई, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या लिखेंगे, ये रहा अपना ये, ये, ये और ये, ठीक है, बात समझ में आई। यहां पे रहा अपना नाइट्रो ग्रुप, एक दो, ये रहा आर्थो पोजीशन, ये रहा मेटा पोजीशन, बात समझ में, यहां पे जोड़ देना SO3H, बात समझ में आई, SO3H, बात समझ में आई ना। तो ये क्या बन गया आपका, बन गया, इसे बोलेंगे मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या बोलेंगे, सल्फोनिक अम्ल, समझ गए, नाम क्या हो जाएगा भाई, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कैसे बनाया जा रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना भाई, क्या है, क्या है इसमें, क्या करना है भाई, सांद सल्फ्यूरिक अम्ल दोगे तो, मैंने पीछे भी बताया था जब आप कार्बोक्सिली पढ़ रहे थे, या फिनॉल आपने ऐप पे रहा होगा तो फिनॉल पढ़ रहा होगा, आपने फिनॉल पढ़ा होगा ना, OH समूह, उसके साथ मैंने नाइट्रीकरण कराया था आपका, सल्फोनीकरण कराया था, ठीक है, और क्लोरीनीकरण भी कराएंगे अभी हम, क्लोरीनीकरण भी इसका देखेंगे, ठीक है, तो क्लोरीनेशन भी होगा उसका, ठीक है। बात समझ में, क्या करना है, नाइट्रो समूह है ही तो क्या करेगा, पहले पोजीशन पे क्या जोड़ेगा, ये आर्थो मेटा पे ना जोड़ के, यहां पे आर्थो पे ना जोड़ के किस पे जोड़ता है, मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा, मेटा पोजीशन तो इसका यही है, मैंने कहा था कोई ग्रुप है, ग्रुप के निकटवर्ती कार्बन क्या कहलाएंगे, दोनों निकटवर्ती कार्बन आर्थो पोजीशन, यानी ये वाला पोजीशन और ये वाला आर्थो पोजीशन हुआ, आर्थो के बगल वाला कार्बन क्या होता है, मेटा होता है, तो इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये, आर्थो के बगल में मेटा, इसके आर्थो के बगल में मेटा, यानी दोनों मेटा मेटा होंगे, बात समझ में। और मेटा के बगल वाला कार्बन क्या होता है, पैरा होता है, यानी पैरा एक होगा, किसी भी बेंजीन रिंग में पैरा एक होते हैं, दो आर्थो होते हैं, दो मेटा होते हैं, यानी दो आर्थो, दो मेटा और एक पैरा, बात समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है ना, मैंने पहले भी बताया था ये वाले क्या होते हैं ग्रुप, यहां ठहरा ग्रुप, इसे बोलेंगे आर्थो, आर्थो, ठीक है, ये बोला जाएगा मेटा, ये बोला जाएगा मेटा, ये बोला जाएगा पैरा, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से ये होता है, ठीक है, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ये किस पे जुड़ा भाई, मेटा पोजीशन में जुड़ा, तो इसको मेटा एम लिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, बात समझ भाई। अब इसका कराना है हमें क्लोरीनीकरण, क्या कराना भाई, क्लोरीनीकरण कराना है, तो उसको भी देख लेते क्लोरीनीकरण कैसे कराएंगे। तो कैसे क्लोरीनीकरण कराने के लिए सबसे जरूरी है, आप कोई नाभिक स्नेही, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही लेके आओगे, क्या करोगे, कोई ऐसा यौगिक लेके आओगे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, उसकी उपस्थिति में ही कराएगा, जैसे AlCl3 ZN, सॉरी हाँ लिख सकते हैं, इन सब की उपस्थिति में आप करा सकते हो उसको, ठीक है, FeCl3 इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, Fe और FeCl3 के बीच में ये उपस्थिति में इसको करा सकते हो, ठीक है।
इनकी ये क्या है, प्रबल है, ये प्रबल है, इस वजह से ये क्या होता है, प्रबल होने की वजह से क्या होता है, ये फटाक से रिएक्शन कर जाते हैं, प्रबल एसिडिक होने की वजह से फटाक से अकेले रिएक्शन कर जाते हैं। क्लोरीन फटाक से रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो प्रबल काम नहीं करता, प्रबल रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा नहीं है, जब रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, अभिक्रियाशीलता ज़्यादा नहीं है, तो क्या करेगा भाई, वो करेगा, उसको ऐसे कोई पदार्थ लाना पड़ेगा जो उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाए, ठीक है, तो उसी को लिखेंगे, जैसे कि FeCl3 भी लिख सकते हो, उसके जगह पर AlCl3 भी लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना ये हो गया हो, तो मैं इसको रब करके मैं लिख रहा हूं क्या, क्लोरीनीकरण, क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण, यानी कि हैलोजनीकरण कह सकते हैं इसको, हैलोजनीकरण कह सकते हैं, यानी क्लोरीन जोड़ रहे हैं तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन जोड़ रहे हैं तो ब्रोमीकरण, ठीक है, और फ्लोरीन जोड़ रहे हैं तो फ्लोरीनीकरण हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, आयोडीन जोड़ रहे हैं तो आयोडीनीकरण हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्लोरीनीकरण कर रहा हूँ, क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्लोरीनीकरण किसका कराना है भाई, नाइट्रोबेंजीन का कराना है, नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीनीकरण कराना जरा, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन को क्लोरीन के साथ FeCl3, मैं लिख दूंगा FeCl3 आगे, ठीक है, के उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है भाई, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ जाता है, बात समझ में आई, सीधी सी बात है भाई, बस बिल्कुल सीधी सी बात है, इसी को बोलेंगे क्लोरीनीकरण, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, तो यही जोड़ना भाई, आपको यही क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, बात समझ में आई, तो इसी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखो, लिख लो, क्या लिखोगे, या हिंदी तो लिख ही सकते हो आप, बार बार लिखने की जरूरत नहीं मुझे, ये रहा NO2, क्या जोड़ना है, Cl2 किसकी उपस्थिति में, Fe और या फिर FeCl3, इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे AlCl3 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर च्वाइस के ऊपर है, ठीक है, बात समझ में आई, ये क्या करेगा, मेटा पोजीशन में क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह पे मेटा पोजीशन जुड़ेगा, तो क्या करेगा भाई, मेटा पोजीशन कहाँ है इसका, ये रहा इसका मेटा पोजीशन, ये रहा मेटा पोजीशन, क्लोरीन जोड़ दिया और क्या हो जाएगा, HCl इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन जो बचा हुआ है निकल जाएगा किसके रूप में, HCl के रूप में, तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा हमें इसी से मतलब है, ठीक है, इसी से मतलब है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोल देंगे मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्या नाम हो जाएगा भाई, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि जो मेटा क्लोरीन है वो मेटा पोजीशन पे कहाँ पे है, मेटा पोजीशन पे है, बात समझ भाई, तो लिखेंगे मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इस तरीके से इनकी क्या कराएंगे भाई, अभिक्रियाएं कराएंगे, ये तीसरा होगा ना, ये रिएक्शन तीसरी होगी ना भाई, तीसरी या चौथी जो भी रही होगी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण होते हैं, क्या होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, इस तरीके से ये अभिक्रियाएं अपनी दिखाते हैं, समझ में आई बात है, बात समझ गए हो, इस तरीके से भाई काम करते हैं इनका नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है, समझ गए, तो जो अब हमें पढ़ना है वो नाइट्राइटो के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, नाइट्राइटो के बारे में, तो जिसके नाइट्राइटो पढ़ना है वो एल्किल नाइट्राइटो के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, एल्किल नाइट्राइटो के बारे में, कोई भी एल्किल नाइट्राइटो ले सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं इसलिए काम बात करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई ना, इसको देखो देखो एक बात समझ लो कि बेंजीन जो है ना, बेंजीन को अक्सर ऐसे ही हमेशा बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देगा क्या, C6H5NO मतलब 2, वही है, वही चीज है, ठीक है, या फिर इसी चीज को एक और तरीका लिखने का है, क्या है भाई, कभी कभी यदि लिख के आया तो वो ऐसे करके दे देगा, ठीक है, इसका मतलब भी वही है, ये जो बीच में गोला बना है ना, ये गोला दर्शा रहा है कि इसके बीच में रेजोनेंस यानी अनुनाद है, क्या है, इनके बीच में क्या है, अनुनाद है, जो कि अनुनाद का मतलब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, घूम जाएगा, एक नया स्ट्रक्चर बन सकता है भाई, नया स्ट्रक्चर बन सकता है, देखना, एक नया स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया, ये वाला यहाँ पे गया, ये वाला यहाँ पे, देखो सब वैसे के वैसे, बस बॉन्ड का रोटेशन हो गया, हो गया कि नहीं, यदि इनको मैं इधर घुमाऊं और इसको मैं इधर घुमाऊं, इसको इधर घुमाऊं, तो फिर से वही स्ट्रक्चर प्राप्त होगा कि नहीं, इनको फिर से एक बार घुमाऊं,
इसको यहाँ पे घुमाऊँ, इनको यहाँ पे घुमाऊँ, इनको यहाँ पे घुमाऊँ। देखो फिर से वही स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं भाई। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस में, ये बॉन्ड इतना तेजी से घूमते रहते हैं ना, ये डबल बॉन्ड जो अंदर वाले ना वो तेजी से घूमते रहते हैं, इनके बीच में क्या होता है घूमते रहते हैं। तो पता चलता है, हमें पता चलता है जब फोटो खींचते हैं बेंजीन का, तो हमें फोटो पता चलता है बेंजीन का जो फोटो है कुछ इस प्रकार से आती है। क्या होती है भाई, कुछ इस प्रकार से आती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड हमें रोटेशन से पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ पर है डबल बॉन्ड एक्चुअल में कहाँ पर है, क्योंकि इनके बीच में क्या कर रहा है, घूम रहा है। मैं कहूँ कोई रूम है, कोई गोला है, मान चलो ये गोला है कोई, ठीक है ये गोला है, इसमें एक व्यक्ति ये बैठा हुआ है, बहुत ही तेजी से घूम रहा है, क्या कर रहा है बहुत ही तेजी से इसमें चक्कर लगा रहा है। तो तुम बता सकते हो क्या, यदि इतना गति इतनी तेज हो जाए जिससे आप उसकी लोकेशन ज्ञात ना कर सको, तो आपको लगेगा वो हर जगह है। जैसे पंखा चलता है, पंखा चलता है देखते हो उसकी गति इतनी तेज होती है आप आंखों से देख के पता ही नहीं कर पाते हो कि पंखा का पत्ती कहां पर है एक्चुअल में। तो लगता है पूरा पंखा एकदम पूरा चल रहा है कि हर जगह दिखाई देता है ना, उसी तरीके से डॉटेड लाइन के साथ उड़ता हुआ दिखाई, पूरी जगह दिखाई देता है, गोल गोल ऐसे पूरा घूम रहा है, ऐसे पूरा घूम रहा है ना, पूरा भरा हुआ पंखा है, ठीक है। लेकिन तीन ही पत्ती होते हैं लेकिन दिखता पूरा पूरा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे डॉटेड घूमता है, इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया, गोले के रूप में बना देते। क्या करते हैं इसको, गोले के रूप में, ऐसा ना बना के फिर हम इसको ऐसे बना लेते हैं, क्या बनाते हैं पूरा, यानी कि ये गोला एक, इसको हम ये ऐसे बना लेते हैं। बेंजीन को बनाने का स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ये बेंजीन, इसके ऊपर नाइट्रोजन NO2 जोड़ दिया। तो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे तो कम ही लिखेगा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका, लेकिन ये ऐसा लिखा जाता अक्सर लिखा जाता है, लोग अक्सर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं जो इसका ऐसा लिखते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो रेजोनेंस की बात कर रहा है, रेजोनेंस है इसके अंदर, ठीक है। समझ गए बात को, बात समझ गए, वही बेंजीन भी है, वही बेंजीन है, बेंजीन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो भाई अब बात करेंगे एल्किल नाइट्राइट की, किसकी बात करेंगे, एल्किल नाइट्राइट की, कि एल्किल नाइट्राइट क्या होता है, ठीक है। एल्किल नाइट्राइट क्या होता है उन्हीं के बारे में थोड़े से चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ है ये। चलो भाई तो इसको रफ करते हैं, फिर बात करते हैं एल्किल नाइट्राइट की। तो हेडिंग डालना भाई एल्किल नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। लिख सकते हैं RONO, यही लिख सकते हैं ना, एल्किल समूह हुआ, ये क्या हुआ नाइट्राइट समूह, NONO, यही हुआ ना भाई, इसे नाइट्राइट समूह कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यदि इनके बारे में थोड़ा सा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि NO2 समूह में ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है, क्या होता है भाई, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। बात समझ में आई, क्या होता है एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे एल्किल नाइट्राइट कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं एल्किल नाइट्राइट कहते हैं, जैसे CH3ONO, क्या बोलेंगे इसे भाई, इसे क्या बोलेंगे, मेथिल नाइट्राइड, क्या बोलेंगे, मेथिल नाइट्राइड। बस वहां पे नाइट्रो पढ़ते थे, हम नाइट्राइड पढ़ लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ गए ना, क्या होगा भाई CH3CH2ONO, या इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं C2H5ONO बोलेंगे, क्या इसे क्या बोलेंगे भाई, एथिल नाइट्राइट।
क्या बोलेंगे, एथिल नाइट्राइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना, एथिल नाइट्राइड बोलेंगे। तो इस तरीके से इनकी बात कर देते हैं, इस तरीके से ये चीज़ होती है, ठीक है। बात समझ में, एल्किल नाइट्राइड की स्पेशली पढ़ना है तो एल्किल नाइट्राइड ऐसे ही कुछ होते हैं। तो सारे एल्किल नाइट्राइड लिख लोगे आप, अब तो लिख लोगे ना, इसे क्या बोलेंगे, CH3, CH, CH3, CH2, ONO। क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे भाई, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसको आइसो बोलते हैं। क्या होता है लास्ट पे, क्या होता है, CH3 समूह होता है, लास्ट पे CH3 समूह होता है, आइसो बोलेंगे। तो 1, 2, 3 आइसो जब बोलते हैं तो तीन कार्बन की श्रृंखला होगी, तो जितने भी कार्बन होंगे सबको ले लेंगे एक साथ। तो 1, 2, 3, 4, तो लिखेंगे क्या, आइसो ब्यूटिल नाइट्राइड, ठीक है। बात समझ में आई, क्या होगा इसे, आइसो ब्यूटिल नाइट्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटिल नाइट्राइल हो जाएगा, सॉरी नाइट्राइट, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये तरीका होता है इनका नाम लिखने का, नाम पढ़ने का, ठीक है। तो जो कॉमन नाम तो पढ़ने आता है, बस नाइट्राइड जोड़ देना, एक एक्स्ट्रा जोड़ देना, क्या, नाइट्राइड, ठीक है। बात समझ में आई, तो अब हम देखेंगे इनके निर्माण की विधियां, बनाने की विधि, दो ही विधि है इसको बनाने की। एक तो क्या कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट से बना सकते हैं, या फिर क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं सोडियम नाइट्रेट से। बात समझ में आई, सोडियम नाइट्राइट, सीधे नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट या फिर पोटेशियम नाइट्राइट से हम इसे निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तो देखो भाई इनके निर्माण की विधियाँ हो गया हो ये, तो इसको करते हैं रफ। क्या करते हैं भाई, रफ करते हैं यदि हो गया हो तो, ठीक है। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं। देखो बनाने की विधियां, देखो इनको, बनाने की विधि, अब बनाने की विधि में देखो, पहला देखो क्या करना है, एल्किल, कोई भी एल्किल समूह लेके आओ, कोई भी एल्किल हाइलाइट के साथ बनाएंगे, किसके साथ, एल्किल हाइलाइट के साथ, क्या करना है भाई, एल्किल हाइलाइट के साथ इनकी रिएक्शन कराएंगे। अब एल्किल हाइलाइट के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएंगे भाई, ये क्या बनाएंगे देखना जरा। जैसे कि मेरे पास एल्किल हाइलाइट कौन सा है, जैसे मैं बना दूं, क्या ले देता हूं भाई, C2H5Cl। बात समझ भाई, अब इनके साथ मैं डाल देता हूं क्या, सोडियम नाइट्राइट, क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इसका ये सोडियम इसके Cl के साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा, NaCl बाहर हो जाएगा और ये वाला ग्रुप इसके जुड़ जाएगा। तो ये NO2 जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में NO2 नहीं है, बात को ध्यान रखना, ये NO2 नहीं है, ये क्या है, इनके साथ धातु के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब ये NaNaONO हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन, इधर ये डबल बॉन्ड, इधर ये ऑक्सीजन, ये माइनस का इसमें है ना, इसलिए सोडियम क्या होता है, प्लस के रूप में इसके साथ जुड़ा होता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा हुआ, देखो इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, ये यहीं से जुड़ेगा, लिखने के लिए मैंने NO2 लिखा है, लेकिन बात को ध्यान रखना, ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, इस बात को ध्यान रखना माइंड में, नहीं तो लिख दोगे NO2 और हो जाएगा नाइट्रोएथेन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रो या एथेन हो जाएगा या फिर नाइट्रो एथिल हो जाएगा। बात समझ में, लिख सकते हैं इसको एथिल भी लिख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, NO2 के साथ नहीं जोड़ना है, तो क्या जोड़ोगे, C2H5ONO जोड़ेंगे। देखो कहां से निकल रहा है, ये ऐसा कुछ होता है, तो इसको कहीं बगल में ऊपर ही लिख लेना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, NaO
ओ एन ओ, इस तरीके से ये होता है। तो लिखे रहोगे क्या होगा, बगल में ऊपर कहीं बगल में इधर उधर लिखे रहोगे तो इसका मतलब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा कि भाई इसका जो जोड़ना है वो जोड़ना है नाइट्रोजन के साथ, जो ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है इसको एल्किल समूह को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन के साथ जोड़ के आओगे, इसको देख के नाइट्रोजन के साथ जोड़ के आओगे और हो जाएगा गड़बड़ी। क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, रिएक्शन गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है, बात गलत हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा भाई, एल्किल यानी कि एथिल, एथिल नाइट्राइल, नाइट्राइड, ठीक है, बात समझ में, एथिल नाइट्राइड हो गया। अब क्या लगा सकते थे भाई आप यहां पर, C2H5Br+ में KNO लिख सकते थे, ठीक है, तो इसको लिख सकते KONO लिख सकते थे, इस तरीके से ये था। पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी अब क्या कराओगे तो क्या बनेगा भाई, C2H5 क्या हो जाएगा, ONO हो जाएगा प्लस में KBr हो जाएगा, बात समझ में आई, इसे बोलेंगे वही सेम कहानी है, क्या है, सेम नेम होगा, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से इनका निर्माण कर सकते, बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इनको हम बना सकते हैं। ये तो हुआ किसके साथ भाई, एल्किल हाइलाइड के साथ, किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ इनको बनाने की विधि थी। अब हम इसे क्या कर सकते भाई, हम क्या कर सकते हैं इसको, और कुछ कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते, कुछ इसमें कर सकते हैं। चलो तो हो गया भाई, तो रफ करते हैं इसको। अब बात करते हैं आगे इनकी रासायनिक गुणधर्म की, किसकी बात करते हैं, रासायनिक गुणधर्म की। ये दो विधियां थी इनको बनाने की, ठीक है। अब रासायनिक गुणधर्म देखते हैं इनका, पहली रिएक्शन रासायनिक गुणधर्म देखनी है, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। इसमें जो पहला रिएक्शन देखना है वो तनु NaOH के साथ, किसके साथ, तनु NaOH के साथ, इसकी नाइट्राइड के साथ, ठीक है। तो कोई भी नाइट्राइड ले लो, जैसे मैंने एथिल नाइट्राइड ले लिया, क्या ले लिया भाई, एथिल नाइट्राइड C2H5ONO मैंने रखा, इसमें क्या मिलाया मैंने, अब मैंने मिलाया क्या भाई, NaOH, क्या कराया, NaOH, जो ये अभिक्रिया होगी अपचयन की होगी, क्या होगी, अपचयन होगा इसका, क्या होगा, अपचयन, अपचयन कराएंगे इसका, किसके उपस्थिति भाई, NaOH की उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा, ये जो बनाएगा वो बनाएगा C2H5OH प्लस में NaNO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, NaNO2 बनाएगा, NaNO2 बनाएगा, बात समझ में आई। जो पीछे आपने बना हुआ था, क्या था, पीछे जो आपका बना हुआ था, इसको रिवर्स करा देंगे, इसका ऑक्सीकरण इसके उपस्थिति में कराएंगे तो फिर से यही बनेगा। तो एक बनाने की विधि भी, इसका रिवर्स कराओगे तो बनाने की विधि भी बन जाएगी, क्या होगी, बनाने की विधि भी बन जाएगी। वहां पे एल्किल ब्रोमाइड के साथ कराया था तो क्या होता था भाई, एल्किल ब्रोमाइड के साथ इनके अब क्या कराए थे तो ये बना हुआ था ना, उसी तरीके से इनके अब एल्कोहल के साथ कराएंगे तो भी ये बनेगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका रिवर्स कर दोगे आप, उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, क्या कराएंगे, उसका ऑक्सीकरण करा देंगे, फटाक से यह निर्माण हो जाएगा, समझ में आई बात है, बात समझ में आई। दूसरी विधि क्या हो सकती है भाई, दूसरा बनाने का तरीका इनका क्या हो सकता है, अब इनको SN और इसको बोल सकते हैं टीन के साथ और किसके साथ, जैसे ये मेरे पास C2H5 है, C2H5ONO है, ठीक है, इसकी अब क्या कराते हैं, इसका अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे भाई, अपचयन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, SN और HCl की उपस्थिति में, SN और HCl की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये क्या करता है, इनका अपचयन कराता है, क्या कराता है, अपचयन कराता है, किसमें, इन्हीं में कराएगा, क्या कराएगा, इन्हीं के अंदर कराएगा, तो उसका हो जाएगा C2H5OH, ठीक है, या फिर अपचयन कह सकते हो या अपघटन करा दो, कह दो अपघटन हो रहा है, क्या हो रहा है, जल के साथ अपघटन, जल के साथ
अपघटन, ठीक है, अपघटन हो रहा है तो क्या करेगा, C2H5OH बनेगा और बनेगा NH2OH, ठीक है, NH2 बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, NH2OH बनेगा, ठीक है, बात समझ भाई, NH2OH बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इनकी रिएक्शंस हो जाएगी, बना के तैयार कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है, इनकी उपस्थिति में ये करेगा, इनकी उपस्थिति में ये बनाएगा, समझ गई बातें, बातें समझ में आई ना, तो इस तरीके से इनकी अभिक्रिया हो सकती है। इनके साथ यदि जल भी दे दोगे ना, जल अपघटन कराओगे, क्या कराओगे, जल अपघटन कराओगे, इनका क्या कराओगे, जल अपघटन कराओगे, तो भी ये काम वही करेंगे, क्या करेंगे, जल जल के साथ कराओगे या फिर किसी और के साथ कराओगे तो भी, इसको ना लगा के फिर भी कराते तो भी यही बनता, ठीक है, बात समझ में, तो भी यही बनता, बात समझ में आ रही ना, तो ये इनके रिएक्शंस हो गए, क्या हो गए भाई, रिएक्शंस हो गए हैं, ठीक है, तो एक एक दो दो रिएक्शंस है, ज्यादा नहीं इनके अंदर रिएक्शंस है, हाँ एमीन के अच्छे खासे रिएक्शंस होंगे, क्या होंगे, एमीन अच्छी खासी होगी, क्योंकि इनमें थोड़े थोड़े रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा इनके रिएक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन एमीन, इनके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, साइनाइड के कुछ रिएक्शंस होंगे, जो कि एमीन होगा उसका नेम रिएक्शन होगा, क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको नेम रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलेगी, कहाँ पे, आपको एमीन के अंदर, वहाँ पे एमीन पढ़ना है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, तीनों एमीन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बात समझ में आई, तो बात करते हैं यहाँ पे, लेक्चर को ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में नए वीडियो के साथ, ठीक है, बात समझ में आई, तो उसमें पढ़ेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, साइनाइड और साइनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वाले वीडियो में।